हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज कॉर्नर। और मैं हूँ सोनी। फ्रेंड्स, आज हम दालिया की चिक्की बनाने वाले हैं, भुने हुए चने की। इसको दालिया बोलते हैं और इसकी चिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है। ये चिक्की हम चीनी के साथ बनाने वाले हैं और गुड़ के साथ भी बनाई जा सकती है, लेकिन ये चिक्की चीनी के साथ बनाई बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं। हमें 1 कप चीनी लेनी है, 1 कप दालिया है, और ये हमें बाज़ार से किसी भी करियाना स्टोर पे मिल जाएगा। और हमें 1 टीस्पून घी चाहिए, और कुछ हमें ग्रीस करने के लिए घी चाहिए होगा। तो हम इस रेसिपी को शुरू करने से पहले थोड़ा इनिशियल अपने चकले को और कटोरी को ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा चकला है, इसको हम चिक्की बनाने से पहले ये प्रोसेस करना होता है, इसलिए इसको हम देसी घी से ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब चिक्की बन जाएगी तो जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना पड़ता है, इसीलिए वो टाइम नहीं होता ग्रीस करने का, तो ये प्रोसेस हमें पहले करके रखना पड़ता है। तो ये हमें ग्रीस कर लेना है चकला, और इसके साथ हमें थोड़ा फ्लैट करने के लिए कटोरी चाहिए होगी, इसको भी हमें पीछे से ग्रीस कर लेना है, और थोड़ा सा हमें ग्रीस कर लेना है अपना बेलन। तो ये हम तीनों को ग्रीस करके रखते हैं और अभी हम चिक्की बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चिक्की बनाने के लिए हमें कढ़ाई की ज़रूरत होगी। ये कढ़ाई हमने रख दी है, गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई को रखते हैं, और इसमें हम 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच हम देसी घी का ऐड करेंगे। इसे मेल्ट होने देंगे, और इसके बाद जब मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम 1 कप चीनी का डाल देंगे, और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। इसे हम कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे, और इसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि चीनी जलने का डर है। एक बार सेक लग जाने पर हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये हमने गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है, और स्लो गैस पर ही ये सारा प्रोसेस करना है। तो धीरे धीरे हमारी चीनी जो है वो गलनी शुरू हो जाएगी, लूज होनी शुरू हो जाएगी और मेल्ट हो जाएगी, और इस दौरान हमें इसको ऐसे ही हिलाते रहना है। और इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि चीनी बहुत जल जाती है, और जलने के बाद वो कड़वा टेस्ट देती है, इसलिए इसको हमें ऐसे ही हिलाते जाना है जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमें 5 मिनट हो गए हैं कॉन्टिन्यूसली चीनी को स्लो पर हम इसी तरह से हिलाते जा रहे हैं, और हमारा 5 मिनट के बाद चीनी का टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा, और नीचे से हल्का हल्का ये गलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से ये गलनी चालू हो गई है। तो ऐसे ही हमारी चीनी जो है इस स्टेज पर आने के बाद धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी, और जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगी तो हमें इसे और पकाना नहीं है, तुरंत हमें दालिया मिक्स कर देना है जब ये एकदम पूरी पिघल जाती है। तो ये देखिए, ये टेक्सचर आने में हमारे 5 मिनट लगे हैं, और ये धीरे धीरे गलनी शुरू हो गई है अभी। तो
हमें इसे पूरी तरह इसी तरह स्लो पर हिलाते हुए गलाना है, पिघलाना है। ये देखिए ऐसे ही हमें कॉन्टिन्यूसली हिलाते हुए, इसको छोड़ना नहीं है ताकि ये जले नहीं। बस ये अभी धीरे धीरे करके पिघलना चालू हो जाएगी। फ्रेंड्स 3 मिनट और हिलाने के बाद हमारी चीनी की स्टेज ये आ गई है। इसको हम कॉन्टिन्यूसली हिलाते जा रहे हैं तो इसको बिल्कुल पिघलाना है, हमें वेट करना है। ये जो ग्रैन्यूल्स हैं चीनी के वो नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। जब ये एक पूरी तरह से पिघल जाएगी तब हम दालिया डालेंगे इसमें। तो ये अभी हमारी चीनी पिघलने वाली है, बस थोड़ी देर में हम इसमें ये पिघल जाएगी और इसमें हम दालिया डाल देंगे। ये हमें तब तक हिलाते रहना है जब तक ये ग्रैन्यूल्स जो है वो बिल्कुल पिघल जाएं। जब ये पूरी तरह से पिघल जाएगी तब उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना, हमें बस उतना ही पकाना है जितने ये हमें चीनी की ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो उसमें हमें कड़वा टेस्ट आएगा और हम जी हमारी चिक्की अच्छी नहीं बनेगी, तो इसका ध्यान बहुत ज़रूर रखना है कि हमें पूरे ग्रैन्यूल्स जब पूरी तरह से पिघल जाए तब हमें गैस ऑफ कर देनी है दालिया मिलाकर, और उसके बाद हमें नहीं पकाना इसे। तो फ्रेंड्स हमारी चीनी पूरी तरह से पिघल गई है लेकिन इसमें दो थोड़े से ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, बस हम उन्हीं के पिघलने की वेट कर रहे हैं। जब ये पिघल जाएंगे तब हम इसमें दालिया मिक्स कर देंगे। ये चीनी के ग्रैन्यूल्स पिघल जाने चाहिए पूरी तरह, सारी चीनी पिघल जानी चाहिए हमारी। तो फ्रेंड्स अभी हमारी सारी चीनी पिघल गई है, ये देखिए इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नज़र नहीं आ रहा। तो इस स्टेज पर हम अपने मिक्स करेंगे दालिया मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करेंगे इसी में, और गैस हमारी हल्की स्लो है ताकि ये ठंडा ना हो जाए और हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। ये हमें अच्छे से पहले मिक्स कर देना है और फिर गैस ऑफ कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से हमारा दालिया मिक्स हो जाना चाहिए, ये हमारा मिक्स हो गया है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और अब नेक्स्ट हम इसको फ्लैट करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं कि फ्लैट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये हमने ग्रीस करके रखा है और इसके ऊपर हमने दालिया का मिक्सचर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत गर्म है, ध्यान से ये प्रोसेस करना होगा आपको। ये हम चकले को ग्रीस करके रखा हुआ है और ये देखिए फ्रेंड्स और इसको भी ग्रीस कर दिया है। तो अभी हम धीरे धीरे इसको फ्लैट करेंगे।
इसको थोड़ा प्रेशर देते हुए हमें फ्लैट करना है। थोड़ा फ्लैट करने के बाद हम बेलन से इसको सीधा करेंगे, बेलन से हम इसको पतला बेलेंगे। बेलन को भी हमने ग्रीस कर दिया था। ये देखिए नीचे बिल्कुल, इसके ऊपर अगर हम चकले के ऊपर चिक्की बनाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं चिपकती। ये बिल्कुल इजी हो जाता है प्रोसेस हमारे लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिक्की तैयार है। बहुत अच्छी चिक्की बनी है और इसको हमें जितना पतला करना है उतना पतला हम बेल लेंगे। ये देखिए हमें कटोरी और ये बेलन की मदद से ये सारा प्रोसेस करना है। इसको देखिए, इसको स्मूथ करने के लिए हमें कटोरी का यूज़ करना है। ये हमारी चिक्की रेडी है। बहुत ही टेस्टी होती है दालिया की चिक्की, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। अभी हल्का ठंडा होने के बाद अभी हम इसको कट करेंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर उसके बाद हम पिज़्ज़ा कटर से इसको कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हल्की ठंडी हो गई है तो पिज़्ज़ा कटर से हम इसमें मार्क लगा देंगे। पिज़्ज़ा कटर से मार्क लगाना इजी हो जाते हैं। लेकिन आप चाकू से भी इसको मार्क लगा सकते हैं ऐसे ही। तो इसको हम अभी हम ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा भी नीचे नहीं चिपकता। तो चकले पे बना सकते हैं या फिर प्लेटफॉर्म पर आप इसको फ्लैट कर सकते हैं, तो उससे हमारे को निकालना चिक्की को बहुत इजी हो जाता है। तो अभी फ्रेंड्स थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसके पीसेस काटेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी चिक्की ठंडी हो गई है, अभी हम इसको तोड़ के देखते हैं। ये बहुत, ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ये देखिए एकदम से टूटी है। ये देखिए बहुत 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 क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और ये देखिए बहुत अच्छी हमारी चिक्की बनी है, तो एकदम से क्रंची बनी है और इसका टेक्सचर देखिए बहुत अच्छा आया है और बिल्कुल इसकी लुक जो है वो गुड़ की तरह है, लेकिन है ये चीनी की। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चिक्की तैयार है। बहुत अच्छी चिक्की बनी है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।